नमस्कार, मैं अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने पर विचार, महर्षि वाल्मीकि हो सकता है नया नाम। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और नया नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया जा सकता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले ट्रायल के तौर पर विमान की सफल लैंडिंग भी कराई गई थी। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को करने वाले हैं। इससे पहले एयरपोर्ट की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले महीने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अति विशिष्ट अतिथियों के आने की संभावना है। इन सबके बीच एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वीर बाल दिवस पर बोले पीएम मोदी, इतिहास में मिसाल है चमकौर और सरहिंद का युद्ध। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आज वीर साहिबजादों को याद कर रहा है। वीर बाल दिवस शौर्य की याद दिलाता है। वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। साहिबजादों को अब दुनिया जानेगी। चमकौर और सरहिंद की लड़ाई इतिहास में मिसाल है। जब अन्याय और अत्याचार का दौर था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी होने नहीं दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हमारे पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और अपनों के लिए जीने की बजाय देश के लिए मरना पसंद किया। आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। हमें पंच प्रणों पर चलना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रग्स आज राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इससे उबरने के लिए सरकार के साथ समाज और परिवारों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार का तोहफा, मिला राज्य कर्मी का दर्जा। बिहार कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने पर मुहर लगा दी है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को सरकार ने स्वीकृति देकर नए साल से पहले 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है। विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है। इसके साथ ही BPSC से पास नियोजित शिक्षकों को परीक्षा से मुक्ति भी मिलेगी, जो मेरिट के साथ क्वालिफाइंग मार्क्स पूरे कर रहे हैं। अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलते ही ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी, DA समेत सभी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। हालांकि शिक्षकों को इसके लिए सक्षमता परीक्षा देनी होगी। JDU राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों का पार्टी ने किया खंडन। बिहार की सियासत में उस समय बड़ी हलचल मच गई जब JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इस्तीफे की खबरें आने लगी। इनमें कहा गया था कि JDU की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ही ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। यह भी खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पार्टी अध्यक्ष न बनकर अपने किसी करीबी को अध्यक्ष बना सकते हैं। इसके साथ ही यह भी खबर आई थी कि ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त करने का आग्रह किया है। हालांकि JDU ने इस प्रकार की खबरों का खंडन किया है। JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ऐसी खबरों का खंडन किया है। पीलीभीत में 10 घंटे दीवार और छत पर घूमता रहा बाघ, वीडियो बनाते रहे लोग। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में देर रात बाघ जंगल से निकलकर कली नगर तहसील के अटकोना गांव में आ गया। पता चलने पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी और तुरंत ही रस्सी, तारों आदि के जरिए बाघ वाले एरिया को सील कर दिया गया, जिससे वह आबादी की ओर ना आ सके। हालांकि इस बीच बाघ करीब 8 से 10 घंटे तक घर की दीवार और छत के ऊपर टहलता रहा और कभी बैठकर आराम करता नजर आया। बाघ कई बार दीवार पर लेटा हुआ भी नजर आया। बाद में वन विभाग की टीम बाघ को रेस्क्यू करने के लिए तैयारी के साथ पहुंची और उसे ट्रैंक्यूलाइज कर सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। अरब सागर में जहाज पर हमले के बाद नौसेना ने तैनात किए 3 युद्धपोत, PHI विमान भी रखेगा नजर। जहाज MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं।
नौसेना ने MV प्लूटो के मुंबई बंदरगाह पहुंचने के बाद उसकी जांच पड़ताल की और कहा कि जहाज पर भारत के पश्चिमी तट के पास ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन यह हमला कहां से हुआ और इसके लिए कितना विस्फोटक इस्तेमाल किया गया यह फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के बाद ही पता चल सकेगा। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों को देखते हुए नौसेना ने उस क्षेत्र में प्रतिरोधक उपस्थिति बनाए रखने के लिए युद्धपोत INS गोमुरगांव, INS कोची और INS कोलकाता को तैनात किया है। इसके साथ ही लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान PATI को भी लगाया गया है। अरब सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर 3 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किए गए हैं। मुंबई पहुंचा, फ्रांस में 4 दिनों तक रोका गया विमान, 276 यात्री थे सवार। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक एयरपोर्ट पर मानव तस्करी के आरोप में 4 दिनों से रोका गया विमान मुंबई पहुंच गया है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से 303 यात्रियों को लेकर निकारागुआ जा रही इस उड़ान को मानव तस्करी के संदेह में गुरुवार को पेरिस से 150 किलोमीटर दूर वैटरी हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। जांच पड़ताल के बाद फ्रांसीसी अधिकारियों ने रोमानियाई कंपनी लेजेंड एयरलाइंस के इस विमान को अपनी यात्रा फिर शुरू करने की अनुमति दे दी थी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार यह विमान जब फ्रांस से मुंबई आया तो इसमें 276 यात्री सवार थे, जबकि 2 नाबालिगों सहित 25 यात्रियों ने फ्रांस में आश्रय के लिए आवेदन किया है और वे अभी फ्रांस में ही हैं। फ्रांस में आश्रय के लिए किए गए आवेदनों की जाँच रोइसी चार्ल्स डिगाल हवाई अड्डे पर की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMD मीडिया।